और सुभाष शर्मा तो हमारी बाड़मेर की परंपरा है, हम तो बाड़मेर के साथ में पैदा हो गए, हमने तो बाड़मेर की संस्कृति। अगर ऐसा कोई है तो मेरी भी आपसे वसीय की गुजारिश है कि किसे ये अभी सच्चाई है, जैसे हम जैसे इसी बात के लिए फैल भाई वर्ग का आपसे गुजारिश बंद, कोई भी संस्था कभी भी करवाती है व्यापारी वर्ग हमेशा उसके साथ रहता है, बंद में सक्रिय भागीदार है, लेकिन संस्था से बात करें कम से कम वो पाबंद किया जाए तो या तो व्यापारी वर्ग को दुर्दुख में ले कि मेरा बंद रहेगा, आप अपनी संस्था है संस्थाओं के द्वारा अपने अपने लोगों को पूर्ण बंद रखें, क्योंकि कोई व्यापारी अपना नुकसान नहीं दस बजे से निकल रहा है या लाठी लेके आंदोलन करने की उनको परमिशन थी, क्यों नहीं उन्हें उस समय रोका गया, अगर रोका जाता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती, और जब उन्होंने तांडव किया आवश्यक सेवाओं तक को बंद करवा दिया, उनके तथाकथित नेताओं को जब कहा गया कि ये क्या हो रहा है माननीय और अजय सभी ने बताया, इस बारे में मैं तो तय करना चाहता हूँ कि अभी जिले की जो पहले विषाद रही है उसको कायम करें। की नई हौसलों की बारी है, मैं अकेला होकर एकत्रा होकर तूफानों से जंग लेता हूँ और मुझको संभालना तुम्हारी बारी है। हम तमाम समाज के लोग आज यहाँ इस मीटिंग में मौजूद हैं, इसलिए शांति मीटिंग, जबकि हमारे घर से डंडा जाता है, हमारा बच्चा जाता है तलवार लेके, हमारे घर से बच्चा निकलता है जनू एक आवारा ग्रुप बन के किसी भी समाज का, वो दहशत फैलाता है जिस जगह जो आगे हुआ है वो अभी तक कईयों को ध्यान में नहीं है, उसको समझाया जाए ताकि उनको पूरी जानकारी हो जाए कि ये किस काम से हुआ। और एक सीमाना में असामाजिक तत्व ज्ञापन देने के लिए निकले थे, उसके पीछे तलवारों लेके आ गए, असामाजिक तत्व तलवारों लेके आ गए, पत्थर लगाया, आमने सामने भिड़त हुई, ये क्या कारण उनका के ऊपर इकट्ठे आए हैं, हम ये समझे और ये विचार करें और इसका थोड़ा सा मन में स्पष्टीकरण कर लें और जनता में भी इस बात का संदेश जाए कि यह विषय उठा क्यों, भारत बंद करने का आह्वान क्यों हुआ, भारत बंद करने का आह्वान इसलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है, रूलिंग ये दिया कि एससी एसटी की कोई एफआईआर आती है तो उसको तुरंत गिरफ्तार न करके सुनिश्चित किया जाए, एविडेंस दी जाए कि भी वो है नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ एसपी साहब, अपने को कमेटी के नाते यहाँ करके समिति की बैठक बुलानी पड़ी है, इस बैठक की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी, क्योंकि यदि इसके ऊपर अपने गौर नहीं करेंगे और ऐसे तत्वों का और पीछे क्या घटना कारी हो रही है उनके बारे में कोई चिंता नहीं है, क्या ऐसे अधिकारी